दो गो पॉइंट चार्ज था, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कुछ डिस्टेंस पे था है ना, और तब फोर्स कितना लग रहा था, एफ लग रहा था, मतलब इनिशियली ऐसा हुआ होगा है ना, इनिशियली ये रहा होगा कि एफ इक्वल टू होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय समथिंग आर स्क्वायर। ध्यान देना, मैं कहता था ना कि मॉड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि एक चार्ज क्या है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो मॉडुलस तो लिखना ही पड़ेगा है ना। बाद में हुआ क्या है, 25% का चार्ज ए में से निकल के कहाँ चला गया है, बी में चला गया है, ठीक है, मतलब अब जो न्यू वाला फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 भाई। 25% निकल जाने का मतलब इसमें जो चार्ज है वो हो कितना जाएगा, q माइनस क्यू बाई फोर, दैट इज 3q/4, और दूसरे वाले में यही चार्ज जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस 3q/4। लेकिन हम लोग को क्या लेना होता है, मॉडुलस, तो मॉडुलस अगर लेंगे तो फिर से मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, ठीक। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमें 3, 3, 4, 4 एक्स्ट्रा दिखेगा, बाकी सब ही पुराना वाला ही है ना, तो आ जाएगा 9/16f है ना, यही हमारा आंसर है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब होता है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है होता क्या, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही होता है ना, न्यूट्रॉन तो नहीं ना होता है, नहीं होता, ठीक है। तो चार्ज की बात करो, तुम्हें याद होगा प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना ही, -1.6×10⁻¹⁹ कूलम। इस चीज को हम लिखते हैं प्लस ही, और इस चीज को क्या लिखते हैं, माइनस, ठीक। अब इसका जो मास होता है वो तुम्हें याद होगा क्या, ये 1 mu के अप्रोक्स होता है प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास तुमको याद होना चाहिए, तो 1.66 या 67 भी कुछ लोग लिखते हैं, 10^27 किलोग्राम 24 ग्राम हो जाएंगे, और जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है ना, बोलो, बट उसका चार्ज नेग्लेजिबल नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों के चार्जेस को अगर हम ऐड करें तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। लेकिन मासेस को अगर ऐड करें तो ये मास किसके बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। इसको नोट करना है क्या, कर लो नोट, अभी क्या कह रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करने कह रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसा ही है लेकिन प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, देखो ध्यान से कुछ चेंज आ गया, ठीक,
अब इसके बाद कह रहा है कि जो नेट फोर्स है दो हाइड्रोजन के बीच में वो है कितना, जीरो है, ठीक है, तो डेल्टा ई कितना होगा, ठीक है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बना कर दिखाते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये बता दो हाइड्रोजन पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा, ई प्लस डेल्टा ई, ये प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है ना, और जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है, माइनस ही है, ठीक है ना। तो ये बताओ टोटल चार्ज आ कितना जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, ठीक है ना। मास तो वही रहेगा, मास में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं। मान लो ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये कोई दूसरा हाइड्रोजन है, तो मासेज की वजह से, मास की वजह से इन दोनों के बीच में लगेगा एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और चार्ज की वजह से दोनों में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसको कि हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कूलम्ब फोर्स कहते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्ज है, अरे चार्ज कितना है, देखो दोनों को उतना ही ना चार्ज है, दोनों हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा, डेल्टा ई एंड डेल्टा ई, जो भी होगा, प्लस होगा तो दोनों प्लस होगा, माइनस होगा तो भी दोनों माइनस होगा, ठीक है ना। आप किसी एक पे अपना ध्यान फोकस करो, ठीक है ना। इस पर अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका क्या मतलब, बोलो जल्दी, इस पे नेट फोर्स अगर जीरो है इसका क्या मतलब, कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इक्वल है ना अपोजिट, या इस पे भी अपना ध्यान फोकस करेंगे तब भी क्या ही पता चलेगा, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, यहाँ से हम लोग ये सीखे कि जो हाइड्रोजन है उस पर लगने वाला कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है ना। अब दोनों का फॉर्मूला लिखो, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला 9×10⁻¹ लिख दिए, इसका क्या मतलब है, इसका 1/4πε₀, ठीक है। उसके बाद चार्ज 1×2² डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में आ रहे हैं, तो ये था जी का वैल्यू 6.67 - 11, ठीक है, इंटू मासेज का स्क्वायर, तो मासेज तुम जान रही हो ना, इसको हम लिख दे रहे हैं क्या 1 mu, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा अपने कॉपी में, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक। अब तुमसे पूछा क्या गया पता है, तुमसे पूछा गया है डेल्टा ई का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से बच गया कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके इसका हमको निकालना होगा आंसर, ठीक है, तो लिखो और कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या आंसर आता है। देखो हमें चाहिए डेल्टा ई का स्क्वायर, राइट, तो ये जो चीज दिख रहा है ना हमें 9×10⁻¹, सबसे पहले तो इसको उठा के हमें यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देना चाहिए, राइट,
यहाँ पे, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर है ना, हमारे पास स्क्वायर है ना, तो इसका पावर इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर, ठीक है, ये पावर भी गया, ठीक है। अब तो लग रहा है कि कुछ आसान सा दिख रहा है ना, यहाँ से देखो इस स्क्वायर में से ये 1 mu का स्क्वायर है जो कि बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो 1 mu को बाहर कर दो। अब जो बच्चा है उस पर ध्यान देना, एक तो दिख रहा है 6.67, एक दिख रहा है 9, ठीक है, 10 के पावर्स को एडजस्ट कर दो। ये जो 9 दिख रहा है तुम्हें ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9, तो -11 और -9 टोटल कितना आ जाएगा पावर, -20 आएगा। इसको भी रूट से बाहर कर लो, ये कितना आ जाएगा 10 का पावर -10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 mu एक नंबर आ गया हमारे पास, एक नंबर आ गया 10 का पावर -10, अब बच गया 6.67/9, ठीक है। अब ये याद करो 1 mu का मतलब हम बताए ना थे जी, 1 mu का मतलब क्या बताए थे, 1.66 × 10⁻²⁷ बताए थे ना, तो -27 ये पावर है और ये पावर कितना है -10, तो टोटल कितना पावर हो गया, तो दिख रहा है यहाँ पे आंसर, उसको करना ही नहीं था कुछ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर, ठीक है ना, तो 10 का पावर खाली खोजना था, 10 का पावर कितना आ गया -37, ठीक है, बाकी पूछा ही नहीं है तो हम क्यों ही अपना दिमाग लगाने जाए, ठीक है। बाकी तुम्हें कैलकुलेट करना है तो कर लो कैलकुलेट, सवाल को पढ़ ली, कुछ याद है ऐसा कुछ पढ़ाए हैं, मुझे तो याद है पढ़ाए हैं, याद करो। ऐसे एक सीलिंग हुआ करता था, इसमें से 2 बॉल को ऐसे सस्पेंड करते थे हम, ठीक है, फिर हम ये बताते थे कि यहाँ पर ऊपर क्या लग रहा होता था, टी कॉस थीटा, थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं ना, इधर क्या लग रहा होता था टी, नीचे क्या लग रहा होता था mg, और इस तरफ क्या लग रहा होता था, दोनों चार्ज चार्ज में कूलम्ब रिपल्सन, क्या है ना, और उसके बाद हम कॉपी देख के बताओ जल्दी पढ़ाए हैं, जब हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है ना, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा को, एक रिजल्ट आता था, क्या आता था, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू, ऐसे पढ़ाए थे, टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा कौन, कूलम्ब फोर्स है ना, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट होता था क्यू स्क्वायर बाय, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फिलहाल के लिए एक्स मान ले रहे हैं, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करता था, एम जी को,
तो नीचे ही एक और टर्म एम जी रहता था। याद आ गया, तुम्हारे कॉपी में पढ़ाया हुआ है। थीटा क्या होता था, ये वाला एंगल होता था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ हाफ लेंथ हो जाएगा एक्स बाई टू, और ये वाला भी लेंथ क्या हो जाएगा हाफ लेंथ एक्स बाई टू। स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है एल, गिवन है, और अगर ये थीटा स्मॉल हुआ, अगर ये थीटा क्या होगा स्मॉल हुआ, तो हम बताते थे कि ये जो तुम्हारा ये वाला लेंथ है ना, ये बहुत छोटा हो जाता था। याद है, ये भी तुम्हारे कॉपी में थ्योरी में पढ़ाए हुए। और जब ऐसा होता था तो हम बोलते थे कि जितना वैल्यू टैन थीटा का है और साइन थीटा है तो उतना बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद दिख रहा है, तुम भी देखो ध्यान से, कि चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रिंग के लेंथ से क्या बहुत ज्यादा छोटा है। ये x भी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है और d भी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। d जो है ना x का इनिशियल वैल्यू है, ध्यान से देख लो। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ l। ये देखो क्या लिखा है, इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस d था, ठीक है, और उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। बाद में क्या हुआ, इनसे चार्ज लीक करना चालू किया, तो जब इनसे चार्ज लीक करेगा तो दोनों धीरे 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 पास आने लगेगा ना, क्योंकि फोर्स कम होने लगेगा, होगा ऐसा। तो धीरे धीरे पास आ रहा है, तो किसी एक समय पर डिस्टेंस x था, तो x और d चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ही है, d इनिशियल वैल्यू है और x कोई रैंडम वैल्यू है किसी टाइम पे। चार्ज लीक कर रहा है कैसे भाई, तो ये दिया हुआ है कॉन्स्टेंट रेट से, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, एज ए रिजल्ट स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर, स्फीयर एक दूसरे के पास आ रहे कितना वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, और भी जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में किसी समय पे एक्स, उसके साथ में कैसे बदलेगा ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखे हैं ये सब पुरानी बातें हैं, देख लो है क्या, तो कोई नया तो नहीं है। यहाँ पे टी से टी कट जाता है ना, तो ये क्या आ जाएगा टेन थीटा। इसमें से कुछ लिखना है तो लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर हम टेन थीटा से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे को बताना यहाँ से देख के कि tan theta इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय x स्क्वायर m आ रहा है ना, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर m g, ठीक है। अब ये देखो तुम ध्यान से, इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको तुम चाहो तो हटा लेना, और टैन थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू एल लिख सकते हैं क्या, लिख दिए एक्स बाई टू एल, और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, एक स्टेप बाद इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें हम जितना कॉन्स्टेंट है ना सबको डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। फोर हम लिखते हैं, इसमें एरर है, तुम देखना कुछ देर बाद फोर नजर आने लगेगा, आया नजर, थोड़ा वेट करो फोर नजर आएगा जरूर। यहाँ पे फोर है देखो, हम दोबारा लिख रहे हैं, कुछ देर बाद तुमको एक और फोर नजर आएगा, देखो अब ध्यान,
देखना आएगा जरूर। दिखाएगा देख लो तू। हाँ बात सुनो, एक्स और एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और बाकी सब कांस्टेंट को हम हटा रहे हैं। तुम देखना, हम खाली इतने लिखे हैं, क्यों लिखे हैं सोच के बताओ। देखो ऐसा हम क्यों लिख दिए, एल कांस्टेंट होगा, टू कांस्टेंट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एमजी भी कांस्टेंट, खाली बदलने वाला पॉइंट यहां पर क्या है, एक्स है और क्यू है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा इसका स्क्वायर इधर भेज देंगे अगर हम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए, 3/2 आगे आ जाएगा, एक्स का पावर कितना बचेगा, हाफ, और इनटू क्या हो जाएगा फिर, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं, ध्यान देना। अब सवाल में दिया हुआ है कि जो डी क्यू बाई डी टी है वो भी कॉन्स्टेंट है, हम नहीं कर रहे, सवाल में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, टू लीक एट कॉन्स्टेंट रेट, तो डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो 3/2 भी कॉन्स्टेंट है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर हाफ, हाँ डी क्यू बाई डी टी को कॉन्स्टेंट लिख दिया, 3/2 कॉन्स्टेंट है, एक्स का पावर हाफ, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब देखो तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर हाफ, ये ऊपरे चल जाएगा, इसी को क्या लिखेंगे, इसका आंसर आ गया तुम्हारा 1, ठीक है ना, ये आंसर है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ का प्रोपोर्शनल होगा स्पीड, ठीक है। देखो अभी जो क्वेश्चन किए थे टैन थीटा, टैन थीटा वाला रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर ले, बोलो टैन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आखिर है क्या, थीटा ये है ना, ये है थीटा, तो दिस थीटा टैन थीटा, तो ये बताओ टैन थीटा इक्वल टू क्या ही होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा ना, आर बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा आर बाई टू वाई, तो दिक्कत यहाँ पे पूरे सवाल में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि थीटा जो एंगल है वो स्मॉल है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम जो जानते हैं टैन थीटा के बारे में वही इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल रहता तो फिर साइन थीटा टैन थीटा सब बराबर हो जाता है ना, तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं, ठीक है ना, तो टैन थीटा की जगह पे रख दो ना आर बाई टू वाई, रख दे आर अपॉन टू वाई इक्वल टू आ गया क्या, वही सेम टू सेम, सेम टू सेम, अब ये बताना मेरे को आर स्क्वायर से ये आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा और प्रोपोर्शनल वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
देखो बाकी सब कॉन्स्टेंट है, देखिए सब कॉन्स्टेंट है इनके, सब कॉन्स्टेंट है। अब इसके बाद क्या ही रेशियो है, वैसे ही सोच लो आर डैश का क्यूब भी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऐसे ही सोच लो वाई बाई टू के होगा ना, तो लोग का रेशियो कर दो, ठीक है दोनों का रेशियो करेंगे, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले का कर लो या फर्स्ट से सेकंड का कर लो, आर क्यूब बाई आर डैश का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, आर डैश क्यूब आ गया ना, आर डैश क्यूब इक्वल टू कितना है आर क्यूब बाई टू, इसलिए आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा आर बाई टू का पावर वन बाई थ्री, बोलो दैट इज ये वाला, ठीक है। बनाओ इसको क्वांटाइजेशन याद होगा ना, क्वांटाइजेशन में क्या पढ़े हैं, एक चार्ज जो होता है ना क्यू, क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है एनी, है ना, सवाल में यही एन पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई न्यूट्रल अगर है और वो पॉजिटिव हो गया तो वो क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है छोड़ देता है, तब लॉस कर देता है, तो कितना एन लॉस है वो पूछा जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फोर्स, फोर्स गिवन है ना हमारे पास, फोर्स इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन, तो क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, अब वाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डी स्क्वायर, ठीक है हमें ये वाला एन चाहिए तो बाकी को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू फोर बाई सेवन इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और एन चाहिए तो इधर स्क्वायर रूट कर दो, है ना आया आ गया, ठीक है। चलो इसको देखो, तो देखो जब दो चार्ज पार्टिकल को हमने कहाँ रखा है, हवा में रखा है ना, तो जब तक हमने इसको हवा में रखा है यानी कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, सपोज क्या लग रहा होगा एफ लग रहा होगा, ठीक है ना, अब जैसे ही हम क्या करते हैं इन दोनों को किसी एक मीडियम में रखते हैं, तो याद है हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाता है और उसके कारण मीडियम का जो पार्टिकल है वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, याद आ रहा है ऐसे कुछ पढ़ाते थे, तो मीडियम का पार्टिकल जो है वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया है, इस वजह से चार्जेज पर मीडियम की वजह से फोर्स लगने लगता है, ठीक ना, तो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला म्यूचुअल वाला फोर्स था, म्यूचुअल फोर्स वो देखो अभी भी वही है, मैं पढ़ाया था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी चेंज नहीं करता है किसी तीसरे के आने या ना आने से, लेकिन यहाँ पे मीडियम के आने की वजह से एक और फोर्स लगने लगता है इन दोनों पे, इसको मैंने एफ एम से डिनोट किया है, ठीक। और हम लोग ये देखते हैं कि चार्जेस पे लगने वाला न्यू फोर्स जो है एफ डैश, चार्जेस पे लगने वाला न्यू फोर्स वो क्या हो जाता है एफ माइनस एफ एम, ठीक है ना, और इसी के बारे में बताया थे, ये हो जाता है कितना Q
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, याद है एप्सिलॉन आर पढ़ाते थे या हमें पढ़ाया था कि उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं उसी चीज को, ये हो जाएगा इनटू के और बाकी वही है वन इनटू बाई आर स्क्वायर। ठीक, जबकि हवा में था तो तुम्हें पता ही है इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक वाला टर्म नहीं आता है, ठीक है ना, वन इनटू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखो और अब हम एफ डैश जो निकालने जा रहे हैं उसको देखो। इस वाले में एक्स्ट्रा क्या ही दिख रहा है, एफ बाई के दिख रहा है, तो नया वाला फोर्स क्या हो चुका है पुराने वाले फोर्स का वन बाई के टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा है ये क्लियर उतना नहीं है, बट हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि चार्जेस पे लगने वाला न्यू फोर्स क्या है, ठीक है ना, क्लियर। तो मैक्सिमम फोर्स ऑन अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस का मतलब क्या है, न्यू फोर्स ऑन चार्जेस मीडियम के रहने पे, ठीक है, ये हम थ्योरी में पूरा डिस्कस किए थे। चलो इसको बनाओ, तो ये हम थ्योरी में पढ़ा दिए थे अच्छे से, है ना। देखो अगर लाइक चार्जेज हो, कैसा चार्ज हो, लाइक चार्जेज, तो जो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट होता है हम बताए थे कि वो कहाँ पर होता है, दोनों को मिलाने वाले चार्ज के अंदर में कहीं पर होता है। यहाँ पर जैसे कि कोई चार्ज हमने रख दिया, ठीक, सपोज ये डिस्टेंस अगर एक्स है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मान लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो ये डी माइनस एक्स हो गया, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या करवाना है, जीरो, है ना। तो मान लो कि अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, एकदम पढ़ाए थे क्यों लेने की जरूरत है नेगेटिव। देखो अगर चार्ज ए को देखें तो बी वाला इसको क्या करेगा, इधर रिपल्सन कर देगा ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ई। अब इसको नेट फोर्स जीरो करने के लिए इसको नेगेटिव करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। फिर इसका चेक करो बी पे, ए के कारण फोर्स इस साइड लगेगा रिपल्सन, फोर्स ऑन बी, ठीक है। तो इसको काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए इसको इधर फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ये आ जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ठीक है। बाकी इसकी बात कर लो, इसकी बात करो तो ये निगेटिव है ना, तो ए वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और बी वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। देखो सब पे इक्विलिब्रियम सेट कर दिए, सबसे पहले हमको ये एक्स निकालना पड़ता है, वैसे हम थ्योरी में पढ़ा दिए थे कि ये जरूर कितना आता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ आता है, बाकी एक बार के लिए हम प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो हम ये बीच वाले को पहले चेक करते हैं, इस पे दोनों तरफ का फोर्स इक्वेट करो, इसके इसके बीच का फोर्स क्या आ जाएगा बताओ, क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो कॉन्स्टेंट है हम नहीं लिख रहे, कट जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन कट ही जाएगा। इधर से अगर देखें ये भी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली बात है लिए हुए, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स, पॉजिटिव वाला वैल्यू अगर सेलेक्ट कर लो तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एक्स, और इसलिए एक्स इक्वल टू डी वाई, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड है और ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, ठीक है। तो इसको कहाँ पर होना है, बीच में होना है, ठीक है ना,
इसको मिटाते हैं। तो अब ये एक्स वाला जो काम है हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक बीच में रखा हुआ है ना। और इसका भी अगर हम इक्विलिब्रियम हटा, ठीक है। अब हम किसी एक का इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हैं, चाहे तो ए का कर ले चाहे तो बी का कर ले, आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसका किया जाए, चलो ए का चेक कर लेते हैं। तो ए पर का फोर्स इधर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए और बी के बीच का जो फोर्स होगा वो आ जाएगा 1/4πε0q1 × q2 / d2। कॉन्स्टेंट हम लिखे नहीं, कट जाएगा, ठीक है। और ए और सी के बीच का फोर्स 1/4πε0 चार्ज 1 × चार्ज 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d/2π², यानी कि d²/4 हो जाएगा ना। अब 4 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो काफ़ी कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, सिर्फ कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, d² से d², तो ये छोटा वाला क्यू कितना हो जाएगा d/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और नेचर ऑब्वियसली बात है निगेटिव है ना। तुम्हारा आंसर आ चुका है। चलो इसको देखो, देखो अभी अभी जो हम लोग एक सवाल किए थे इसके पिछले वाला, उसमें क्या था, दोनों एंड पे चार्ज क्या था कैपिटल क्यू, और बीच में याद है ना d/2 डिस्टेंस पे बीच में एक चार्ज क्या रखा था -2। इस -2 का वैल्यू कितना आया था, q/4 आया था, बोलो। यहाँ से ये समझ लो कि क्यू का वैल्यू कितना है, 4q बड़ा वाला क्यू का वैल्यू कितना है कैपिटल क्यू का, यहाँ से देख 4q हो गया। यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख दे सकते हैं, 4q, यहाँ भी लिख सकते हैं 4q, बात तो वही है ना। तो पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया ना। अब चलो मान लो इसका वैल्यू ए के इक्वल है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर x=0 है तो यहाँ पर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x=2a, और यहाँ पर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा x=2a। तो बात तो वही है ना कि ये है कहाँ पे, मिडिल में ही ना। तो वही तो सवाल है जो हमने लास्ट में किए थे, नया तो दो लाइक चार्जेज है, इक्वल भी है, तो तीसरा चार्ज नल पॉइंट वाला कहाँ पर होगा, मिड में होगा, ठीक है। और इन दोनों को इक्विलिब्रियम होने के लिए जितना इसका मैग्नीट्यूड है इसको क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, है 1/4। क्या होगा, ऑल द चार्जेज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें नया कुछ था ही नहीं।